हेलो एवरीवन, देखिए FSSAI का एग्ज़ाम हुआ था 24 जुलाई को, 24 जुलाई को भी हुआ है, 25 जुलाई को भी हुआ है। तो इसमें मैंने पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ FSSAI से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस रहेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पूछा गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो ये है स्विफ्ट। स्विफ्ट क्या होता है? सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। पहले क्या हुआ करता था? एक टेलेक्स सिस्टम हुआ था, टेलेक्स सिस्टम के बाद आया सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर ट्रेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट सीईओ पूछे गए FSSAI की, तो एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, पवन अग्रवाल जी हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड? तो देखो, ये 2006 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना था, ये सही है। ये सिंगल रेफरेंस पॉइंट है फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारे मैटर्स के लिए। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है FSSAI, पर ये 2006 में बना था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा गया इसलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये बना था 5 अगस्त 2011 को। फोर्थ क्वेश्चन में कलर कोड पूछा गया किसी रेस्टोरेंट के बाहर डिस्प्ले करने को। देखिए, रेस्टोरेंट के लिए कलर कोड होता है पर्पल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए ग्रीन, मीट के लिए रेड, मिल्क के लिए ब्लू, स्ट्रीट फूड के लिए पर्पल, ऐसे ही बाकी भी दिए हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप FSSAI का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये 10 के 10 कोड आप लोग याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी कोड आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5th में पूछा गया, वो बुक कौन सी है जो फूड हैबिट्स यंग एज है इससे रिलेटेड है। देखिए, ये येलो बुक है, इसको स्कूल में पढ़ाने की बात की जा रही है, बच्चों में मोटापा काफ़ी देखने को मिला। 2018 का द हिंदू का आर्टिकल था, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। ये पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, ये द हिंदू में ही छपी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि NABL लेबोरेटरीज में फूड सैंपल्स कब भेजे जाते हैं। देखिए, सेक्शन 47 के अकॉर्डिंग NABL लेबोरेटरी में जब भी फूड को टेस्ट करना हो तब फूड की टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम भी कर सकते हैं। तो फूड सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए NABL लेबोरेटरीज में भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर प्रोविजनल NOC पूछा गया। प्रोविजनल का मतलब आप जानते होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है, उस पर लिखा रहता है प्रोविजनल एडमिट कार्ड, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो ये पूछा गया कि किस कंडीशन में NOC इशू हो जाती है। देखिए, अगर फूड के लिए कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर है तो प्रोविजनल NOC मिल जाती है। क्यों? क्योंकि नहीं तो फूड ख़राब हो जाएगा। ऐसे ही अगर फूड की लाइफ 7 दिन से कम है तब भी मिल जाती है। इसमें क्या होता है, अगर लैब के रिकॉर्ड आने का वेट करेंगे हम तो तब तक फूड ख़राब हो सकता है, इसलिए प्रोविजनल NOC दे देते हैं। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें ऑप्शन में जो था उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा कि अगर फूड को स्पेशल स्टोरेज रिक्वायर हो। उसमें बिलो 7 डेज नहीं दिया था, एबव 7 डे दिया था, इसलिए एबव 7 डे नहीं होगा, बिलो होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑडिटिंग का फ़ायदा क्या है। देखिए, इससे ऑडिट की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी के अलावा थर्ड पार्टी भी ऑडिट कर रही है, इससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। थर्ड पार्टी ऑडिट होता क्या है? एक तो होगी फर्स्ट पार्टी जो किसी चीज़ को सप्लाई कर रही है, दूसरी होगी सेकंड पार्टी जो किसी चीज़ को ले रही है। थर्ड पार्टी असल में होती है लाइसेंसिंग अथॉरिटी बोलते हैं उसको हम, जो लाइसेंस इशू करती है फर्स्ट और सेकेंड बॉडी के अलावा। फर्स्ट पार्टी सपोज करो कि मैं कोई फूड आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं फर्स्ट पार्टी हो गया, अगर मैं ऑडिट करता हूँ तो ये इंटरनल ऑडिट होगा। मैंने आपको प्रोवाइड कराया, आप सेकंड पार्टी हो गए, आप ऑडिट करते हैं तो सेकंड पार्टी ऑडिट होगा। लेकिन हम दोनों ने डिसाइड किया कि एक हम थर्ड प्राइवेट कंपनी को चूज करेंगे तो उसे हम थर्ड पार्टी ऑडिट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया कि फर्स्ट एक्ट जो है इसका एम क्या है। असल में इसको इस तरह से लिखा जाता है, ये होता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पोर्टल। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि कम से कम कोई अगर बिजनेस है तो उसमें कम से कम एक आदमी को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए गाइड किया जाता है, जिससे कि फूड सेफ्टी एंश्योर की जा सके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है फूड प्रेमिसेस के बाहर, ये शो करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, ये पूछा गया था। देखिए, आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि मन किया तो दिखा दिया और मन नहीं किया तो नहीं दिखाया, आपको दिखाना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैंने जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ये उसका थंबनेल है, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। देखिए, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें भारत में जितने भी सांसद होते हैं उन्हें जो फंड मिलता है हर साल 5 करोड़ रुपये का, उससे रिलेटेड सारी जानकारी को मैंने हिंदी में डिस्कस किया है। PDF जो PPT बनाई गई है वो भी हिंदी में बनाई गई, कंप्लीट डिस्कशन हिंदी में है, आप लोग उसे देख सकते हैं। अगर आप लोग अब तक लाइफ गोल एजुकेशन फैमिली का पार्ट नहीं बने हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री PDF फाइल भी मिलेगी, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सेशन का पेपर भी डिस्कस करूं तो आप लोग क्वेश्चंस मुझे मेल कर सकते हैं, ये मेल ID दी हुई है lifegoaleducation98@gmail.com पर। आशा करता हूं आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। कमेंट करके ये बताइए वीडियो कैसा लगा और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।